सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की ये वीडियो हमारे झारखंड के शिक्षक साथियों के लिए विशेष है, क्योंकि झारखंड में बेसिक कोर्स चल रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 से बेसिक कोर्स 5 दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। झारखंड के शिक्षक साथी बेसिक कोर्स 5 को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारा बेसिक कोर्स 5 के पार्ट 1 की है। पार्ट 1 है हमारा गुणा की समझ। तो पार्ट 1 में हम भाग 5 करेंगे, अपनी समझ को परखें। ये आपका आकलन दिया हुआ है, इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों को और उनके उत्तरों को जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बेसिक कोर्स 5 के पहला पार्ट गुणा की समझ में अपनी समझ की जांच करें, यानी आकलन गुणा की समझ में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे ही आप कोर्स 5 को स्टार्ट करेंगे तो इसका सबसे पहला पार्ट है गुणा की समझ। इस पार्ट में दी गई सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, जो आपको समझाया गया है उसको ध्यान से समझिए और जितने भी कंटेंट आपको दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए। पार्ट को करते करते आप लास्ट में पहुंच जाएंगे, तो इसका पार्ट नंबर 5 है अपनी समझ को परखें। तो इसमें आपको गुणा की समझ में आकलन करना है, तो इसमें आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो जान देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे तो सब आपके सामने प्रश्न नंबर 1 होगा, प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने को कहा गया, ऐसी 21 पोटलियां आई, इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसके चार ऑप्शन है, 21 21 21, 7 बार लिख दिया, 7 को 21 बार लिख दिया, 7 गुणा 21 लिख दिया और 21 गुणा 7 लिख दिया। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो सेकंड, यानी 7 को 21 बार लिखना और इसके साथ साथ सेकंड के साथ फोर्थ 21 गुणा 7, ये आपका सही होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रश्न नंबर 2 होगा, आशुतोष ने गुणा का ये सवाल इस तरह से हल किया। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें गलती है। आशुतोष के शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे। तो इसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका गुणा की कलन विधि को कैसे करें, दूसरा ऑप्शन है शून्य की समझ, तीसरा ऑप्शन है बार बार जोड़ की समझ, चौथा ऑप्शन है आपका स्थानीय मान की समझ और पांचवा ऑप्शन है बराबर के समूह की समझ। तो इसमें आपको आशुतोष के शिक्षक को स्थानीय मान की समझ पर कार्य करने के लिए कहना होगा, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो आ जाता है इसको पढ़ लीजिए एक बार कि किस तरह से ये समझाया गया है। जारी रखे पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने होगा, मास्टर जी ने अपनी कक्षा में ये सवाल कराया, इस सवाल को कराते समय 0 को 34 से गुणा करने पर 0 क्यों आएगा, इसके 3 कारण दिए, इन कारणों में से आपके अनुसार कौन सा कारण सही है। नंबर 1, पहली पंक्ति में 0 आएगा। नंबर 2, 0 को 4 और 3 से गुणा करने पर 0 आएगा। तीसरा है आपका शून्य के 34 समूह हैं और चौथा है आपका 34 के 0 समूह हैं। तो शून्य के 34 समूह हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में इबारती सवालों के ये प्रतिरूप दिखाए, आपको प्रतिरूप आपके सामने है, इसके अनुसार बच्चों ने से इबारती सवाल बनाए, इन विकल्पों में से जो विकल्प इस प्रकार के प्रतिरूप से दिया जा सकता है उसे चुनिए। विकल्प नंबर 1 है, त्रिकोण वाली लकड़ी के टुकड़े 7 पोटलियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं। दूसरा विकल्प है 7 काजू कतलियाँ 5 पंक्ति में रखी गई हैं, कुल कितनी कतलियाँ हैं। और तीसरा विकल्प है आपका त्रिकोण वाली 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे गए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने होगा, मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा, आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा सुझाव देंगे।
विकल्प नंबर एक, गुणा की शुरुआत दो के पहाड़ों से करेंगे, समान समूहों इसे तो नहीं करेंगे, समान समूह में चीजों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करेंगे, ये आपका विकल्प सही है। उसके बाद तीसरा विकल्प है सवालों को बार बार अभ्यास कराएं, और चौथा विकल्प है खंडित गिनती बार बार जोड़ के सिखाएं। तो इसका चौथा विकल्प भी आपका सही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जारी रखें पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रश्न नंबर 6 होगा, खंडित गिनती और गुणा के बीच में क्या संबंध है। चार विकल्प दिए हुए हैं, देखिए क्या क्या इसमें है। दोनों में संख्याओं को बराबर अंतराल के बाद गिना जाता है, ये सही नहीं है। दूसरा है दोनों में संख्याओं के बीच बराबर अंतराल है, ये आपका सही है। उसके बाद दोनों में से एक संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, ये भी आपका सही है। दोनों में संख्याओं को समूह में जल्दी जोड़ा जाता है, ये भी आपका सही है। तीनों पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके साथ प्रश्न नंबर 7, माचिस के एक डिब्बे में 42 तीलियां हैं, ऐसे 57 डिब्बों में से कितनी माचिस होगी। इस समस्या को हल करते हुए शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पे ऐसे लिखा, 42 × 57, और बच्चों ने कॉपी में ऐसे लिखा 57 × 42। कौन सा तरीका सही है और क्यों, एक से ज्यादा विकल्प आप चुन सकते हैं। तो देखिए गुणा में इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्याओं को किस क्रम में लिखा जाए, 57 के 42 समूह होंगे और 57 को 42 बार जोड़ना होगा। बच्चों की सोच उनके तरीकों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, 42 के 57 समूह होंगे या 42 को 57 बार जोड़ना है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ सही होगा, फोर्थ पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इसको आप पढ़ते रहेंगे, जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, सुहानी ने गुणा का सवाल कुछ इस प्रकार से हल किया। देखिए आपके सामने सवाल हल करने का तरीका दिया हुआ है, सुहानी की शिक्षक को कौन सा फीडबैक उसकी समझ को बढ़ाएगा। आप एक से ज्यादा विकल्प चूज कर सकते हैं। पहला विकल्प है इस तरीके से तिरछी रेखाओं को ध्यान से खींचना चाहिए, ये कोई नहीं हुआ। इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर 0 लिख देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद हल करने वाली संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए, ये भी आपका सही है। यानी कि आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत सही होगा, इस पे आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 9, अभिनय और सौर्या दोनों ने गुणा के इस सवाल को यूं हल किया, एक घर में 21 रुपये का दूध हर रोज लिया जाता है, अगर हर महीने 31 रुपये दूध आया तो दूध का बोतल कितना होगा। अभिनय का तरीका और सौर्या का तरीका, दोनों तरीके दिए गए हैं, कौन सा तरीका आपका सही है। दोनों से ही, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल किया गया है। दूसरा सौर्य का, क्योंकि उसने आसान संख्या को पहले लिखा। अभिनय का तरीका सही है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या को पहले लिखा। किसी का भी नहीं, ये मानक तरीका नहीं, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोनों से, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट पे लिखेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका सही हो जाएगा, जारी रखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आ जाएगा, गुणा की समझ के लिए जोड़ और घटा दोनों की समझ की आवश्यकता होती है, क्या ये सही है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, हाँ संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है, हाँ जोड़ और घटा को गुणा से पहले सिखाया जाता है, नहीं केवल जोड़ की समझ ही जरूरी होती है, नहीं गुणा तो बारंबार जोड़ की प्रक्रिया है। तो आपको इसमें फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, हाँ संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।